उल्हास नगर से कल्याण भेजा जा रहा था लाखों का प्रतिबंधित गुटखा। कल्याण के महात्मा फुले पुलिस ने किया पूरा गुटखा जब्त। महाराष्ट्र राज्य में गुटखे पर प्रतिबंध होने के बावजूद पूरे उल्हास नगर शहर में खुलेआम गुटखा लाया जा रहा है। आए दिन हमें यह सुनने को मिलता है कि इतने लाखों का गुटखा पकड़ा गया, जबकि गुटखा लाने वालों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जिस वजह से गुटखा माफिया धड़ल्ले से खुलेआम गुटखे का व्यवसाय कर रहे हैं। 5 अप्रैल की रात को रात के करीब 9 बजे कल्याण पूर्व हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के सामने एक पिकअप में महात्मा फुले पुलिस ने 7,36,000 रुपए का प्रतिबंधित गुटखा पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार यह गुटखा उल्हास नगर 4 के रहवासी महेश हरपलानी नामक व्यक्ति उल्हास नगर लेकर बेचने के लिए लेकर आ रहा था, जिसको महात्मा फुले पुलिस ने कल्याण में धर दबोचा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि यह गुटखा उल्हास नगर में लाया जा रहा था। इस गुटखे का मालिक महेश हरपलानी घटना स्थल से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इस सबके पीछे कौन कौन है जो खुलेआम बेखौफ होकर प्रतिबंधित गुटखे का व्यवसाय कर रही है। वहीं इस कार्यवाही के दौरान इस गुटखे का मालिक दिलीप वालेचा वहां पहुंचे और समाज सेविका सोनाली बड़े और दीपक ठाकुर को धमकाने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं पुलिस का इस मामले में आरोपी को बचाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया है, ऐसा अरुण दीपक ठाकुर ने किया है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक ठाकुर है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, उल्लासनगर से हूँ। 5 तारीख के दिन मैं एक ऐसी माहिती मिली थी कि साढ़ ब्रिज से कल्याण से सटे महात्मा पुरी चौकी अंतर्गत में एक गाड़ी है गुटके की, उधर उनको रोका है पुलिस को कंट्रोल में फ़ोन देके। उधर तलवी साहब चित्ते साहब आए हैं। जब मैं उधर पहुंचा तो मैंने देखा दिलीप वालेचा पुलिस से बात कर रहा था, तो मैंने वीडियो निकालना चालू किया। उसमें दिलीप वालेचा दिख रहा है, वो बोल रहा है वीडियो मत निकाल दीपक। फिर भी पुलिस वाले लोग ने उनसे उनका नाम नहीं डाला FIR में। और उसी दिन पे मैंने सेम डे पे दिलीप वालेचा के ऊपर NCB की है, इधर मेरा नाम भी है। फिर भी पुलिस वालेचा दिलीप वालेचा का नाम, पुलिस ने दिलीप वालेचा का नाम नहीं डालते हुए उसको पूरा स्वीकार किया है। और हमें सीनियर साहब से हमने बात की तो सीनियर साहब ने हमें बोला कि हम दिलीप वालेचा का नाम डालेंगे, जिसका माल है, जो रियल घटना है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमको उन्होंने आश्वासन दिया, कहीं ना कहीं पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। उस टाइम वो दिलीप वालेचा उधर आया था, उसकी गाड़ी रजिस्ट्री आया था ना? हाँ, हमारे पास वीडियो, वो बोल रहा है हमारा माल है। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, ये वीडियो है हमारे पास, मैं आपको उसकी कॉपी भी देता हूँ। इससे पहले भी उसके ऊपर सेंटर में 15 दिन 5 दिसंबर को FIR हुई है, उसमें भी दिलीप वालेचा का नाम है। उल्हासनगर में अनगिनत केसेस है इसके ऊपर, आप देख सकते हो। उसके ऊपर इतने सारे केसेस होने के बाद भी वो गुटखा दिन दहाड़े खुलेआम बेचता है, पुलिस प्रशासन के सामने आग के नीचे गुटखा बेचता है, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर दिलीप वालेचा का नाम FIR में नहीं आएगा तो हम एडिशनल कमिश्नर साहब, मुंबई कमिश्नर साहब से हम मिलेंगे, उनको पूरी घटना बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। मी सोनाली बड़े, उल्हासनगर समाज सेविका है। आम्ही शहाळ ब्रिजवरून जात असताना मला एक माहिती भेटली की अशी अशी गाडी नंबर आहे, त्या गाडीमध्ये गुटखा आहे म्हणून, तर आम्ही ती गाडी अडवण्यात आली, कंट्रोलला कॉल देण्यात आला। त्यानंतर तिथे पोलीस तळवी साहेब हे वगैरे आले आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी पाहणी केली, तर त्याच्यामध्ये गुटखा होता, राजनिवास, रजनीगंधा वगैरे ते सगळं होतं। तर तिथे ड्रायव्हरसुद्धा होता त्या टायमाला आणि दिलीप वालेचासुद्धा आला। दिलीप वालेच्याने म्हणजे धमकी वगैरे पण दिली की बाबा तुला घरातून उचलून नेईल वगैरे करून, आणि त्याच्यानंतर मग ड्रायव्हर तिथून फरार झाला। कमीत कमी 1 ते 1.5 तास तिथे पोलिसांसोबत दिलीप वालेचा बोलत होता आणि नंतरून तो मग तिथून फरार झाला। त्याच्यानंतर वाघसाहेब आले, वाघसाहेबांनी येऊन तिकडे बोललं की बाबा हे गाडीचा म्हणजे गाडीची चावी वगैरे कुठे आहे वगैरे करून, तर त्यांनी गाडीची चावी आणून दिली। गाडीची चावी आणल्याच्या नंतर गाडी तिथून पोलीस चौकीला नेण्यात आली, पोलीस चौकीला नेण्यात आली, ड्रायव्हरनीच गाडी पोलीस चौकीला आणली आणि पोलीस चौकीला गाडी त्यांनी लावली। सिनियर साहेब आले, सिनियर साहेबांनी प्रकरण विचारलं काय काय नाही, त्यांनी सांगितलं गुटख्याची गाडी वगैरे करून, तेवढ्यामध्ये तिथून ड्रायव्हर पळून गेला तिथून। आणि त्याच्यानंतर जे दिलीप वालेचा तिथे असताना सुद्धा FIR मध्ये त्याचं नाव नाही आलेलं आहे, कुठे ना कुठे तरी हित संबंध, कुठे ना कुठे आर्थिक हित संबंध जपण्याचा संशय आहे, म्हणून याच्यामध्ये नाव नाही आलंय दिलीप वालेचाच। त्या टायमाला दिलीप वालेचा त्या ठिकाणी होता का? हो सर, दिलीप वालेचा त्या टायमाला होता तिथे आणि त्यांनी मला धमकी सुद्धा दिली की बाबा तुला घरातून उचलून नेईल, नाही नेलं तर मी म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे त्यांनी मला धमकी दिली, मला आणि माझ्या गाडी अडवली आणि पोलिसांना बोलवलं।
कमीत कमी 7 ते 8 लाखाचा माल होता त्याच्यामध्ये. ड्रायव्हर फरार झाला त्या ठिकाणी. हो सर, ड्रायव्हर संपूर्ण माल दिलीप वलेचा होता. हो, ड्रायव्हरने स्टेटमेंट म्हणजे ड्रायव्हरने सांगितलं आहे तिथे की हा दिलीप वलेचा माल आहे म्हणून. तुमच्या व्हिडिओ मध्ये सुद्धा दिलीप वलेचा दिसतो. हो, दिलीप वलेचा व्हिडिओ आमच्याजवळ सगळे एव्हिडन्स आहे की तिथे दिलीप वलेचा आहे. दिलीप वलेचा कमीत कमी 1 ते 1.5 तास पोलिसांसोबत तिथे बोलत होता तो. दिलीप वलेचा वाचवण्यासाठी पोलीस म्हणजे सहकार्य करतात. हो सर.